एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। बने रहिए मिनी व्लॉग में। आज हम जाने लगे हैं बाजार, कुछ दिल है शॉपिंग के लिए, कुछ अपने कपड़ों के लिए। कपड़े कम हो गए मेरे पास। हाँ जी हाँ जी, अच्छा मैं डाल दूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपने कपड़े लेने के लिए, और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कौन से बाज़ार की शॉपिंग करती हूँ अपने कपड़ों के लिए। आप लोग भी देखिए, आप लोग मेरे साथ जा रहे हो? कौन कौन जा रहे हैं मेरे साथ? आप चप्पल पहन के नहीं जाओ, ये ऐसे ख़राब हो जाएंगे, दूसरे पहनो। और चले मिलते हैं आपसे बाज़ार में जाकर। मेरे बंदे तो बहुत ख़राब कर देते सारे, कोई शर्म है यार नहीं यार, खरीद के पाओगे ना पता था लगेगा। चप्पल नहीं है ला, नहीं खा रही गंदी हो जाती है, गंदी हो जाती तो पारी नहीं तो घर में पहनो ना, जूती भी है दूसरी जूती घर में पहनो। ये बन ठीक है, कहते चला अपने घर चल, मुझे तोते दिखा, मैं व्लॉग में दिखाऊंगी। क्या खाओगी? क्या कह रहा कितनी बुरी बात। अच्छा जी, मैं तो घर में चप्पल पहनने के लिए ले रही थी, पर यहाँ पे जितने डिज़ाइन लगे हुए हैं ये सब मैं पहन चुकी हूँ घर में। इतना अरसा हो गया यहाँ से चप्पल खरीदते हुए और लेते हुए, और मैं सोची थी कुछ नई चीज़ नज़र आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी मुझे चप्पल ख़रीदनी थी अपने लिए। ये सब जब मेरे साथ जाते हैं ये ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही गिरते हैं और ऐसे ही काम करते हैं, उल्टे सीधे। हेलो, अभी हम आपको दिखाते हैं हम कौन से बाजार में आए हैं। बाजार क्या बात है, यहाँ से हम खरीदते हैं कपड़े शॉपिंग, और आपको दिखाएंगे पूरा बाजार, पूरा बाजार। अच्छा जी, आ गए आके शॉपिंग करते हैं अरीका बाज़ार की, और ये बाज़ार बहुत पसंद है मुझे। इस बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे आपको कॉपी ब्रांड भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको लॉन के बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। और मैंने यहाँ से ख़रीदे घर में पहनने के लिए लॉन के कपड़े, ब्लॉकिंग करने के लिए, क्योंकि सारे ज़्यादा कपड़े मैं दिखा चुकी हूँ, बार बार रिपीट हो चुके हैं। और मैंने यहाँ से लिए लॉन के कपड़े, पर जब कोई शादी ब्याह होता है या जब कोई ऐसा फंक्शन आता है तो इस बाज़ार में हर किस्म की चीज़ मिलती है आपको, मेहंदी के लिए, तेल के लिए, ब्राइडल, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। और मैंने यहाँ से खरीदे थे कपड़े अपने लिए, और ये जब स्टिच होंगे तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे लेडीज़ सामान ज़्यादा है और बच्चों के लिए बहुत कम है। यहाँ पे लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ की कपड़ा बहुत अच्छा है, और मैंने यहाँ से कपड़े भी ख़रीदे थे, जूते भी ख़रीदे थे अपने लिए। और मैंने ये कोई शादी फंक्शन के लिए नहीं था ख़रीदे, बस ऐसे ही घर में पहनने के लिए लिए थे, ऐसे ही बस वीडियो बनाने के लिए लिए थे, और इतना वो नहीं था। और ज्वेलरी मैं बहुत कम ख़रीदती हूँ, पर ज्वेलरी भी यहाँ पर बहुत अच्छी है, और कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। और क्या कहूँ मैं आपसे, और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँगी। अच्छा जी, रुबैका मैडम की कोशिश थी उसके लिए भी शूज़ लिए जाए, तो उसको मैंने, इनको मैंने घर की चप्पल लेकर दी थी, अपने लिए मैंने कहीं आने जाने के लिए चप्पल ख़रीदी थी। और साथ में मेरे साथ बच्चे थे, बच्चों ने आइसक्रीम के लिए शॉर्ट डाला मेरे साथ। और यहाँ पे जो चप्पल मैंने पसंद की वो ईसा ने पसंद की। उसके बाद हम जल्दी जल्दी से चले गए आइसक्रीम के लिए, और बैका मैडम को सारे रास्ते याद है, वो सबसे आगे भागती है और सबसे पहले जाके शॉर्ट डालती है कि उसको आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम बच्चों ने ली, इनको मैंने कौन लेकर दी, मूसा के लिए स्पेशल कप लिया, और हम घर की तरफ। ओके जी, हम आ चुके हैं घर पे, और बहुत गर्मी है, मैंने लिए वहाँ से कपड़े और शूज़। अब मैं सिलाई करवाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, आपको वैसे नज़र आ रहे होंगे। और बहुत गर्मी है, हम थक चुके हैं, और अभी हम यहाँ करेंगे ब्लॉग को एंड, और हम अभी पियेंगे चाय।
बिस्किट और बेको ने लिए अपने लिए चप्पल 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 पूरे नहीं आ रहे तुम लोग और बेको ने लिए अपने लिए चप्पल और आप लोग देखते रहिए हमारी वीडियो। हमने आपको दिखाया है आज पूरा ओरिगा बाजार और देखते रहिए मिनी व्लॉग और एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाय गुड नाइट गॉड ब्लेस यू